नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, इसकी जो परिभाषा होती है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथककृत एकांक धनावेश क्या होता है, घूमता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा जो होती है किसी भी वैद्युत क्षेत्र को दिखाने का सबसे प्रोसेस अच्छा होता है वो कौन सा है, बल रेखाओं को दिखाना। यानी कोई भी बल रेखाएं जो होती है, जो रेखा होती है बल रेखा, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसकी परिभाषा होती है वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, निष्कोण का मतलब आर्क के रूप में, कर्व के रूप में, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथककृत एकांक धनावेश क्या करता है, घूमता है। तो ये इसकी वैद्युत बल रेखा की परिभाषा होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको पूछता है एग्जाम में इसकी प्रॉपर्टी, कि बल रेखाओं की प्रॉपर्टी बताएं, गुण बताएं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती है जबकि ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो प्लस से बल रेखा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और ऋण आवेश पर क्या होती है, बल रेखाएं अंदर आ रही है। ये आप देख सकते हैं ये बल रेखा कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, जबकि प्लस में बल रेखा कहाँ जा रही है, बाहर। और ये बल रेखा सदैव क्या होती है, इन आवेशों के क्या होती है, पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो आप देख रहे हैं लंबवत निकल रही हैं, बाहर लंबवत निकलती हैं। दूसरा, बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। बंद लूप का मतलब ये हुआ कि प्लस से बल रेखा निकलती है, माइनस में समाप्त हो जाती है। अगर आप जनरली देखें तो प्लस वाला फिगर ये है, माइनस वाला ये। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो बंद लूप का निर्माण नहीं करते। बंद लूप का मतलब ये होगा कि एक साथ ऐसे ऐसे आती और जाती, तब कहलाता है कि ये बंद लूप का निर्माण करती है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। प्लस से बल रेखा निकली, माइनस में एंड हो गई। थर्ड जो होता है वैद्युत बल रेखा कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हमने एक कर्व खींच दिया, इस कर्व पर हमने दो पॉइंट ले लिया, एक पी लिया, एक क्या लिया, पी डैश। तो यहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दें, और स्पर्श रेखा जैसे ही खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वहीं क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, यहाँ पर P और P डैश पर जो बल रेखा खींचेंगे तो बल रेखा की दिशा जो होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी E की दिशा होगी। तो ये तीन टॉपिक हो गया। चौथा जो होता है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं क्योंकि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि संभव नहीं है। यानी आप देखिए, एक बल रेखा ये है और एक ये है, दोनों एक दूसरे को इस वो पॉइंट पर कट की हुई है। यहाँ पर हमने दो स्पर्शी खींचा, एक E1 और E2। इस तरीके से एक ही पॉइंट पर दो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकल रही है, इसलिए क्या होगा कि यह संभव नहीं है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काट नहीं सकती है। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी हुई। पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो वैद्युत बल रेखा की दिशा में विद्युत विभव क्या होता है, घट जाता है। यानी बल रेखाएं जैसे जैसे आगे जाएंगी, बल रेखा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें विभव का मान क्या होता है, भी का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो विभव एक नया टॉपिक है, तो हम जैसे विभव वाले टॉपिक पे आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विभव क्या कहलाता है। फिलहाल आप समझे कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में विभव का मान क्या होता है, घट जाता है। तो ये तो जनरली बस हमने पांच प्रॉपर्टी आपको बताई, जबकि ये बल रेखाओं में बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ होती है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो बल रेखाएं निकलती हैं हमेशा आवेश के क्या होती है, लंबवत निकलती हैं। दूसरा, आप कैसे कहते हैं कि जब भी बल रेखा जो होती है वो किसी भी मेटल के अंदर प्रवेश नहीं करती है और किसी भी मेटल के तल पर लंबवत गिरती है और अंदर, जैसे कि अगर आप कह दें कि एक मेटल यानी धातु का एक बड़ा सा गोलाकार बॉक्स है या आयताकार बॉक्स है, पूरी तरह से क्या है, पैक है, बंद है, तो अगर बल रेखा गिरती है तो उसके सरफेस पे लंबवत गिरती है और वो बल रेखा अंदर की तरफ प्रवेश नहीं करती, ऊपरी ऊपरी सरफेस को ही पकड़ते हुए कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं। अगला आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि जहाँ बल रेखाएँ पास पास होती हैं, जहाँ बल रेखाएँ क्या होती है, पास पास होती है, वहाँ वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है। जहाँ बल रेखाएँ दूर दूर होती है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं। इस तरीके से हमने सिर्फ आपको पांच प्रॉपर्टी के बारे में बताया।
आप बुक भी पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर सिंपली ये वैद्युत बल रेखा क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हमने आपको डिफाइन किया। तो यहाँ तक हम इसको रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।